सलमान भाई हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे भाई, माय लवली स्माइल अजय पीछे दादा, क्या बात है भाई, इधर भाई अजय थोड़ा नीचे हो जा मेरे भाई, भाई नीचे, भाई नीचे सेंटर, भाई राइट में, भाई इधर, भाई हैप्पी बर्थडे, भाई इधर, हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई, जियो हजारों साल भाई, तुम जियो हजारों साल भाई, अरे बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरजू, हैप्पी बर्थडे टू यू भाईजान, हैप्पी बर्थडे टू यू भाईजान, हैप्पी बर्थडे टू यू भाईजान, भाई का बर्थडे है, आज की पार्टी भाई की तरफ से, क्या बात है, हो जाए फिर भाई, आज की पार्टी आपकी तरफ से हो जाए फिर भाई, चलो बूम लगा दो, अरुण नहीं सुमित रुक ना, पहला बात कर रहे ना, कुछ रुक जा, रुक जा, रुक जा, अरुण रुक, अरुण आप जब बोलो भाई होगा तुम्हारा, भाई नहीं है फील्ड में, नहीं है भाई, अभी सर अभी फील्ड चेंज किया उसने, मतलब वो अभी दूसरी जगह हो गए, अरुण होने वाले नहीं भाई, हो गया क्या, तुम लोग का फोटो कर लेते ना यार, अभी अरुण ले, आ जा दे इधर ले, अरुण ले, अरे आएगा इधर लेना भाई, सलमान जी मुबारक आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, 56 ईयर आपने कंप्लीट कर लिया, जी हाँ बहुत जल्दी गए हैं 56, फील करते हैं आप, जी हाँ इतना प्यार पूरे हिंदुस्तान ने और फैंस ने दिया है तो ऑब्वियसली प्रिविलेज फील करते हैं अपने आप को, और बहुत अच्छा लगता है, और आई होप कि ये सिलसिला चलता रहे, जारी रहे, सलमान जी आज ही मतलब हम आपके बर्थडे पे हर साल आते हैं, सुबह सुबह जो खबर आई वो फैंस के लिए भी थोड़ा दर्दनाक थी, एंड इसीलिए सारे फैंस भी वहाँ आ गए थे क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए सभी को पता चल रही थी, हम चाहते हैं कि आप ही बताएं कि मतलब कैसे कुछ हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ, वो एक कमरे के अंदर सांप घुस गया था, यहाँ पर जंगल में रहते हैं फार्म हाउस में, तो हमने फार्म हाउस को कोई एकदम बड़ा नहीं बनाया, जैसे था वैसे ही है, तो कमरे के अंदर सांप घुस गया तो बच्चे डर गए थे, तो मैं चला गया, तो बोला एक लकड़ी दे दो मुझे, तो लकड़ी आई तो इतनी छोटी लकड़ी आई, तो मैंने बोला लंबी लकड़ी दो, तो फिर एक लंबी लकड़ी आई, तो मैंने सांप को उठाया बड़े प्यार से और उसको बाहर लेके आया, और सांप भी बड़ा प्यार से लिपट गया उसके ऊपर, और फिर वो सांप धीरे धीरे लकड़ी चढ़ना शुरू कर दिया, मेरे हाथ पे आ गया, तो मैंने सांप को यूँ ले लिया दूसरे हाथ में, और वो लकड़ी छोड़ के सांप को मैंने पकड़ लिया छोड़ने के लिए, तो यहाँ के जितने भी गांव वाले हमारे जो स्टाफ है उनको पता है कि वो कंदारी सांप है, तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया कंदारी कंदारी कंदारी, तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंदारी है, उसको काटना ज़रूरी है, तो उसने मुझे एक बार डसा, फिर सावला 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 के काटा 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 काटा, इतना ज़ोर से एक शोर हुआ, तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये काटना होता है, तो उसने एक और बार काटा, फिर हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल, इतना कमोशन हो गया था वहाँ पर कि वो जहरीला टाइप का सांप है, तो फिर उसने तीसरी बार और काटा, तो फिर मैंने उसको सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया, और फिर वो हम हॉस्पिटल चले गए, और हॉस्पिटल में पता चला कि ये अलग किस्म का सांप है, वो जो कंदारी जो क्रेट है, क्रेट है लेकिन ये वो वाला क्रेट नहीं है, तब फिर वापस आए और वो सांप यहीं पर था, तो हमने उस सांप को प्यार से वापस यहीं पर छोड़ दिया। अब आपकी तबीयत तो ठीक है, कैसी लग रही है आपको? हाँ तो बस वही है, ठीक है, तो हर एक सांप का एंटीवेनम ले चुका हूँ मैं, क्रेट का, वाइपर का, क्योंकि वो समझ में आता नहीं है कि ये जहरीला सांप है या नहीं, तो इसलिए उस सांप को हम हॉस्पिटल लेके चले गए प्यार से एहतियात से एकदम बच्चे की तरह, तो बताया गया कि ये चलो इसके
ये सब ले लो, ये सब जो एक कंकॉक्शन होता है उनके पास कि आई थिंक क्रेट का, वाइपर का, कोबरा का और एक और कोई सांप का, तो वो आपको ठोकते हैं। वो तो वो ले लिया एंटीवेनम और फिर 6 घंटे मुझे वहाँ पर रखा उन्होंने और ठीक ही था। तो वापस आया तो वो सांप उधर ही था, तो मैं सांप को पकड़ लिया वापस से और उसको बहुत प्यार से छोड़ दिया। मेरी बहन काफ़ी डरी हुई थी तो मैंने उसको, वो सांप से दोस्ती हो गई तो उससे एक फ़ोटोग्राफ लेके मैंने उसको छोड़ दिया। वो बेचारा भी एकदम घबरा के उसने काटा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और बड़े एकदम शर्मा के मैंने बेमुरबत है जो ठूस 3 बार काट लिया, जहाँ जहाँ आवाज़ आई उसको ऐसा लगा वाइब्रेशन ऐसे कि काटना ज़रूरी था, उसने काट लिया। लेकिन ये अच्छा है कि ये हॉस्पिटल काफ़ी इक्विप था, उनके पास हर सांप की एंटीवेनम था उनके पास। और यहाँ के हमारे विपिन कुमार साहब भी आ गए थे जो यहाँ के कमिश्नर पुलिस हैं, संदीप नायक भी जो यहाँ के MLA हैं वो भी आ गए थे, तो काफ़ी हेल्प हुआ। आपके फैमिली मेंबर्स भी कभी यहाँ प्रेजेंट हैं जी? आपके डैडी जी काफ़ी डर गए थे लेकिन उन्होंने बताया कि अब सब जी हाँ हाँ हाँ, तो डैडी की तरफ से कुछ आपकी बातें हुई? हाँ नहीं हाँ, डैडी ने पूछा क्या हुआ कि साहब जिंदा है, तो ऐसा हाँ टाइगर भी जिंदा है, सांप भी जिंदा है। हाँ तो ऐसे तो मारा वारा तो नहीं, सांप को मारा वारा तो ऐसे नहीं, नहीं बिल्कुल प्यार से वापस यहीं पे छोड़ दिया। तो ऐसे नया साल भी आ रहा है तो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? बस कुछ नहीं, परिवार ही। हाँ जी हाँ जी हाँ, परिवार ही यहाँ पर बस, और कोई है नहीं। और ये जो माहौल चल रहा है, ये जो नया जो क्या ओमिक्रॉन जो आया है, तो उसका एक हम सबको एहतियात रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो पूरा परिवार यहाँ पर आया है उनका रैपिड टेस्ट कराया गया और सब यहाँ पर सेफ हैं। तो हम यहाँ पर हैं 1-2-3-4-5 दिन और उसके बाद काम पे लग जाएंगे, टाइगर की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर अगला साल शुरू हो जाएगा। तो अगले साल में देखते हैं कि क्या क्या पिक्चरें आपको दें और क्या क्या करें, देखते हैं सोचते हैं। फिल्म से याद आए कि कहीं ऐसी खबरें आई थी, आपसे जानना चाहूँगा कि राजा मौली साहब के साथ में आपके कुछ आई डोंट नो, आप ही बता दीजिए। नहीं ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, अगर होगा तो ज़रूर, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं वो, लेकिन उनके फादर के साथ ज़रूर होगा जी। उन्होंने बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट लिखी है जो कि उन्होंने टाइटल दिया है पवन पुत्र भाईजान। तो वो जैसे वो कंप्लीट कर लेंगे और जैसे ये जो 2 पिक्चरें होने वाली हैं, टाइगर कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद नो एंट्री शायद होगी और कभी ईद कभी दिवाली शायद होगी।